आप सभी विश्वासियों का आज की आराधना में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की आराधना को आरंभ करते हुए परमेश्वर के आह्वान वचन से हम आरंभ करेंगे। भजन संहिता 91 उसके प्रथम दो पद के द्वारा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको ऐसा आह्वान करता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आमीन। आइए हम आज के प्रथम गीत गाएंगे, गीत नंबर 69। ख्रिस्त यीशु ने हराया शैतान का सारा दल, दोषदायक बांधा गया, नष्ट हुआ पाप का बल, व्यवस्था पूरा किया, क्रोध अपने ऊपर लिया, त्राणदाता यीशु ख्रिस्त। खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिर्जा। स्तुति हो
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांतिदायक वचन हम सुनेंगे। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। मन ली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु तुम्हारे संग होए। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विरोधता को मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है, तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो आपसे सदा लो। आमीन। आज के लिए जो पवित्र वचन पाठ वचन के रूप में रखा गया है, उससे हम सुने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय पद 1 से आगे 6वें पद लो। यूहन्ना 14 1 से आगे 6वें पद तक प्रभु का वचन यहाँ ऐसा मिलता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा,
हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग एक होकर अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यों कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देखी जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 64, जय 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 ख्रिस्त जीता है, आज महायुद्ध से लौटता है, जो उसके राज्य के प्रजा हो सोच का जय जयकार करो। मंडली खड़ी हो जाए। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता
जी उठे यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह शांति बहुता से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सामर्थी प्रेमी ईश्वर, अपने अनुग्रह के द्वारा अब तक के जीवन यात्रा में हम सबों को संभाला। इस बिगड़े संसार में नाना प्रकार के दुख संकट के बीच में हम तेरे विश्वास के द्वारा ही चलने पाते हैं। अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु हमें संभाल, अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर कि तेरे पवित्र नाम पर विश्वास करते हुए जीवन यात्रा में आगे बढ़ सके। प्रभु ईश्वर, इस घड़ी तेरे वचन को हम मनन करना चाहते हैं, तो अपने वचन की संगति आत्मा और सच्चाई से दे कि हम तेरे वचन का विश्लेषण कर सके, उसके अनुसार चलने वाले बने। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, कमजोरियों को दूर कर, यही हमारी प्रार्थना है। उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन, स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। आज के लिए जो उपदेश का वचन ठहराया गया है वह हमें मिलता है पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय 18 पद से आगे 25वें पद तक। पत्रस की पहली पत्री दूसरा अध्याय पद 18 से आगे 25 पदों, यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसा मिलता है। हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यहाँ तक। आमीन। मसीह यीशु में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हम समाज में जीवन व्यतीत करते हैं और पारिवारिक जीवन के साथ अपने बाल बच्चों का परवरिश करते। पारिवारिक जीवन यात्रा में हम अपने माता पिता के अधीन होते हैं, परंतु माता या पिता में से कोई एक यदि अंतिम सांस पर रहता हो और अब उसकी इस दुनिया में जीवित रहने की कोई आशा ना रही, तब उसके कहे हुए बातों को हम बड़ी ध्यान से सुनते हैं। वह बाप भी अपने बच्चों को अंतिम संदेश देता है और कहता है, बेटा ऐसा काम करो, ऐसा करने से तुम भली रीति से जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और उन बातों को जब चला जाता है वह बेटा हमेशा अपने हृदय के पटल पर रखता है। दूसरे समय की बातों को, संदेशों को उतना ध्यान महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता, लेकिन अंतिम समय में जो बाप अपने बेटे के लिए बोलता है उसको हमेशा
बेटा अपने हृदय के पटल पर रखता है। ऐसा ही मसीह का आदर्श, जिसको हम पिता के आदर्श को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आदर्श को, जो हमारा पिता हुआ, हमारे जीवन के छुटकारे के लिए हुआ, उनके आदर्शों को हम याद करते हैं। सो इस पत्रस इस अंश में, इस अध्याय के इस अंश में एक कठिन परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। हमारा अन्याय पूर्ण कष्ट उठाना, अर्थात जब हम भलाई करने के कारण कष्ट सहते हैं, या परमेश्वर की दृष्टि में प्रशंसनीय है। और हम इन बातों को पहाड़ी उपदेश के उस अंश में पाते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार 5:10-11 में, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण सताए जाते हो और झूठ बोल बोलकर हर प्रकार की बुरी बातें तुम्हारे विरोध में कहे, परंतु आनंद और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में कहे, परंतु आनंद और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। ख्रिस्त में विश्वासियों, यही परमेश्वर का आदर्श है। हम जो उस कष्ट में भी, कष्ट देने वालों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी दीन और नम्र बनते हैं। यह हमारे जीवन की शिक्षा है। यह शिक्षा सांसारिक शिक्षा के विपरीत है। यहां तक कि हम मसीही लोगों को भी इस शिक्षा को ग्रहण करने में कठिनाई होती। हम अपने किसी अधिकारी के द्वारा जरा सा अन्यायपूर्ण व्यवहार करने या कष्ट पहुंचाने पर तुरंत दुहाई देने लगते हैं। हम तुरंत उस अधिकारी का विरोध करने लगते हैं और उसके विरोध बातें करने लगते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम परमेश्वर की ओर से मिलने वाली प्रशंसा को गवा देते हैं। ख्रिस्त में विश्वासियों, आज परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा जो आदर्श हमें दिया है, उस आदर्श को हम याद करते हैं कि उन लोगों का भी भला काम करें जो नम्र लोग हैं। यहाँ वचन कहता है, सेवको हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले काम भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। उन कुटिल लोगों के लिए भी हम भलाई करें, उन लोगों के लिए भी दयामय बने, क्योंकि आज का दिन, आज का रविवार का नाम मिसेरे कोर दियास डोमिनी है, जिसका अर्थ है प्रभु की दया। निश्चित रूप से प्रभु की दया को हम स्मरण कर पाते। प्रभु की दया हमारे जीवन में अपारंपार प्रकट हुई कि उसके दया के द्वारा ही हम मृत्यु के जीवन यात्रा को पार करके भी एक जीवन की आशा रखते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब जगह तैयार कर लेता हूँ, लेने आऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इस संसार की जीवन यात्रा को हम 90 वर्ष, 80 वर्ष, बाइबल के अनुसार 70 वर्ष गिना गया है, परंतु बल से हो 80 वर्ष, और उसके बाद तो उसका अहंकार और क्लेश है। ख्रिस्त में विश्वासियों, हमारा जीवन क्षण भंगुर जीवन है। आज धरती में है, हो सकता है आज की रात, आज की सुबह प्रभु अपने पास बुला लेगा, परंतु ऐसे समय में हम उस आशा से जीवित हैं जो प्रभु ने हमें कहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। पिता ने अपने घर में हमारे लिए रहने का स्थान तैयार किया, और जब तैयार किया तो वह वचन कहता है, जब तुम्हारे लिए घर तैयार कर लेता हूँ, लेने आऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ख्रिस्त विश्वासियों, आज हम इसी आशा के साथ
कि मृत्यु के डंक को प्रभु ने तोड़ डाला, समाधि की शक्ति को प्रभु परास्त किया, जी उठ करके घोषणा कर दिया, मैं जीता हूं तुम भी जियोगे। निश्चित रूप से इसी आशा विश्वास के साथ ही हम प्रभु के बुलाए हुए लोग, प्रभु की आशा में कि हमारा जीवन है, हमें इस मृत्यु से पार होकर के, मृत्यु के द्वार से पार होकर के एक नया जीवन मिलेगी और वह नया जीवन परमेश्वर के घर में हमेशा शांति के साथ रहने के लिए मिलेगा। ख्रिस्त विश्वासियों, प्रभु इसके साथ ही हमें इस आशा के साथ बुलाया है कि अगर हम अन्यायपूर्ण कष्ट सहते हैं तो उसे धैर्य और शांति के साथ सही, क्योंकि हमें इसी के लिए बुलाया गया था। मसीह हमारे खातिर दुख उठाने के लिए बुलाया गया था। इसके साथ ही मसीह के पीछे चलने वाले लोग भी कष्ट सहने के लिए बुलाए गए। हम जो मसीह के पीछे चल रहे हैं, कष्ट सहने के लिए बुलाए गए और कष्ट से आगे ईश्वरीय सुख और शांति स्वर्ग में रखा गया है। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 34 और 35 पद को यदि हम देखें, यहां लिखा है, यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। निश्चित रूप से अपना क्रूस उठाना अर्थात दुख सहना है। यीशु के खातिर हमें दुख सहने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे भलाई, हमारे जीवन के लिए उसने घूसे खाए। यहां लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। यीशु, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ख्रिस्त में विश्वासियों, आज हमें भी उस पद चिन्ह पर चलने की आवश्यकता है। यीशु मसीह को क्रूस पर लोगों ने ठोक दिया और उसके क्रूस मृत्यु के कारण शैतान आनंदित था, परंतु उस क्रूस मृत्यु के उस डंग को भी तोड़ा और शैतान को ललकारा, हे मृत्यु तेरी डंग कहां। निश्चित रूप से आज हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने के लिए परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करते हैं कि प्रभु यीशु, जिसने अपने आदर्श को हमारे लिए रख छोड़ा, उनको जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, क्रूस पर से उसने 7 क्रूसबानी हम सबों के लिए दिया और उसमें पहला क्रूसबानी में बतलाया जाता है कि उसने क्रूस पर पहला क्रूसबानी के रूप में कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ख्रिस्त में विश्वासियों, वह ऐसे लोगों को क्षमाशील का संदेश देता है जो उसे थूक रहे थे, जो उसे मार रहे थे, जो उसे पीड़ा पहुंचा रहे थे, जो उनकी निंदा कर रहे थे, जो उनको काटिले कीलों से ठोक दिए थे, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता है। यह स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन, लेकिन यीशु का आदर्श के उन बुरे लोगों जो उसका बुराई कर रहे थे और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। ख्रिस्त यीशु में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम इफिसी 6:5-8 को जब देखते हैं, यहाँ लिखा है, हे दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं
परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। सो आज हम प्रभु के आशीष रूपी फल को पाने के लिए इन सारे विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु के विश्वास में स्थिर बने रहें, प्रभु की सेवा करते रहें और प्रभु परमेश्वर जो आशीष और अनुग्रह हमारे लिए दिखाया कि जिस रीति से आज का रविवार प्रभु की दया का रविवार है, हम परमेश्वर के उस दया को स्मरण करते हैं जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हम पापियों के लिए किया। हम तो चलते चलते नरक के फाटक तक पहुंच गए थे, लेकिन प्रभु की दया हुई कि हम सबको बचाने के लिए उसने मनुष्य बनकर के इस धरती में आए और क्रूस मृत्यु को सहा और क्रूस पर से हमारे उद्धार के काम को पूरा किया। आज हम प्रभु के अनुग्रह को याद करते हैं, स्मरण करते और प्रभु में बने रहते और इसलिए प्रभु के पवित्र नाम के द्वारा जैसा वचन कहता है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। वह हमारे पापों को अपने देह पर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया और इसलिए ईश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना 10:14-16 में कहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला के नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। मेरा वे मेरा सब सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही सुसम एक ही चरवाहा होगा। क्रिस्त यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। वह मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंचा और मृत्यु के डंक को तोड़ा। आज हमारी चरवाहा वह करता आया है और करता रहेगा। उसके भेड़शाले में हम रहें और जो लोग इस भेड़शाला में नहीं हैं, ईश्वर के भेड़शाला में नहीं हैं, उनको भी सुसमाचार देता है कि दुनिया में हजारों महान व्यक्ति हुए परंतु मरकर जी नहीं उठे, परंतु हमारा प्रभु जी उठ करके हमें यह संतवाना और यह संदेश आ देता है, यह सुसमाचार देता है कि मैं जीता हूँ, तुम भी जियोगे। यीशु ख्रिस्त में जीवन है, यीशु ख्रिस्त में अनुग्रह है, यीशु ख्रिस्त में बहुतायत का आशीष है और इसलिए हम उसका शब्द सुने, सुसमाचार को जाने और सुसमाचार विश्वास करके कि प्रभु यीशु ख्रिस्त भटके हुए भेड़ों के लोग समान जो लोग हैं उसके लिए भी प्राण का रखवाला बन करके एक अध्यक्ष बन करके लौट आए हैं। सो आइए हम उसी के मार खाने से चंगे हुए हैं, क्योंकि हम सब पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राण के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। प्रभु ईश्वर अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा हम में से एक एक को संभाले और इस धरती में जबकि संकट का दौर चल पड़ा है, ऐसे समय में भी उस विश्वास में खरे उतरे जो प्रभु हमारे लिए जीवन दिया है। उस प्रभु के जीवन को हमेशा हम ग्रहण करते रहे। प्रभु ईश्वर इन वचनों पर अधिकाई से आशीष देवे, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सामर्थी प्रेमी ईश्वर, अपनी बड़ी अनुग्रह और दया के द्वारा हमारे जीवन को नित्य प्रतिदिन चलाते आता है। प्रभु परमेश्वर, तू धरती में हम सबों के लिए जीवन को कमाया और हम सब जो विश्वास करते हैं वह प्रभु में एक जीवन को पाएंगे और वह जीवन सनातन का जीवन है। प्रभु परमेश्वर,
इस धरती के जीवन तो क्षण भंगुर है, परंतु तेरे पास सनातन का जीवन है, जहाँ के लिए तू कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जब जगह तैयार कर लेता हूँ लेने आऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु ईश्वर, इन बातों को हम स्मरण करते रहें हर दुख के घड़े में, संकट के घड़े में, जबकि कोरोना वायरस का प्रकोप फैला है, उन सब जो इफेक्टेड हैं सबों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, सबों को समय की पूर्णता में भला चंगा निरोग कर, क्योंकि तू तेरे मार खाने से हम चंगे हुए, इसी विश्वास के साथ सभी लोग चंगे पाए जाएं और जीते परमेश्वर की महिमा करने पाए। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, यह हमारी प्रार्थना है, उद्धारकर्ता मसीह सुख नाम से सुन, स्वर्ग में पूरी कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ और ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करे, आपसे सदा सर्वदा लो, आमीन। हम तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 76, 76, यीशु ख्रिस्त जी उठा है, हालेलुया। आज हम कहें उसकी जय, हालेलुया। जिसने क्रूस पर दिया प्राण, हालेलुया, कि हमारा करे त्राण, हालेलुया। मंडली खड़ी हो जाए, आइए हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु परमेश्वर सर्वभाष्य पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसा और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लूथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तिया प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थान को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उदम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हे प्रभु, इस घड़ी हम अपने देश, अपने राज्य, अपने कलीसिया जीवन के सभी परिवार के लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। भारी विपत्ति के बीच में जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, ऐसे दुख और संकट के घड़ी में तू ही हमारे जीवन का सहारा है। हमारे लोगों में कोरोना वायरस देश में, राज्य में फैल चुका है और इस रीति से यह कोरोना का लहर लोगों के जीवन को पीड़ित किए हुए है। ऐसे समय में प्रभु तेरे पास ही हम आते हैं, देश के लोगों के लिए, राज्य के लोगों के लिए, कलीसिया और हर क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रशासनिक सेवा करने वाले डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। निश्चय ही प्रभु लोगों की सेवा तन मन से कर सकें और तेरी बड़ी दया के द्वारा जो भी इफेक्टेड हैं वे कुशलता के साथ चंगाई पाएं, भले चंगे निरोग होकर के तुझ जीते परमेश्वर पर अपने जीवन को समर्पित कर सकें और तू ही सबों को समय पर भला चंगा कर, जिसते प्रभु हम तेरी ही बड़ी दया, प्रेम, अनुग्रह के लिए सदा धन्यवादी बने रहें। हमने आज के गिरजा आराधना के क्रम में अपने घरों में जहाँ कहीं भी हम हैं मुठियों को खोल कर दान अर्पण करते हैं। प्रभु परमेश्वर अपनी बड़ी दया के द्वारा जो कुछ भी हमने दान दिया है उन दानों को तू अपनी आशीष की अधिकता दे और तेरे आशीष की अधिकाई को पा करके प्रभु कलीसिया सेवा में और परमेश्वर के राज्य का विस्तार में हो सके। पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियार में बैठे हैं मुक्ति का उज्जवला प्रकाश कर। हमको आपश्चतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन।
अपेक्ष ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे आ तुझे कुशल देवे। आमीन। सहाय